दोस्तों, आखिर अयोध्या के दिव्य अलौकिक राम मंदिर का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ा? क्या पाकिस्तान में भी छा गया है हिंदू धर्म? क्या अयोध्या राम मंदिर से पाकिस्तान के मुस्लिमों में मच गई है हड़कंप? दोस्तों, राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन पर सभी हिंदुओं में बहुत उत्साह है। अयोध्या सहित संपूर्ण भारतवर्ष के सनातनी दूसरी दिवाली मनाई है, जब हमारे आराध्य प्रभु श्री राम अपने बाल अवतार में मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हुए। अयोध्या में होने वाले राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह एवं भव्य उत्सव को देश विदेश सहित संपूर्ण विश्व निहारने को बेताब थे, लेकिन पाकिस्तान के मुस्लिमों का इस पर क्या रिएक्शन था? क्या पाकिस्तान में भी हिंदू धर्म की जय जयकार हो रही है? क्या अयोध्या की राम गूंज पाकिस्तान तक सुनाई पड़ रही है? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहे दोस्तों, स्वागत है आपका आगे चलने से पहले। अगर आप सच्चे सनातनी राम भक्त हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 5100 वर्षों के लंबे इंतजार एवं कई राम भक्तों के त्याग और बलिदान के बाद हम भाग्यशाली सनातन को यह मौका मिला है, जब 22 जनवरी को राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा हुई। दोस्तों, यह सनातन धर्म का ही तेज है कि आज भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में राम नाम की गूंज है। लेकिन अगर बात करें उस पाकिस्तान की, जहां एक समय अयोध्या के राम मंदिर का विरोध हो रहा था, लेकिन आज उन लोगों की राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा पर क्या प्रतिक्रिया है, तो दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानियों के सुर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। कल तक जिन पाकिस्तानियों के लिए राम मंदिर गले में फांस की तरह चुभ रहा था, आज वह भी कह रहे हैं कि अयोध्या में तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का ही मंदिर बनना चाहिए। प्राप्त सूत्रों के मुताबिक अब तो पाकिस्तान के मुसलमान ये कहते नहीं थक रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर तो अनंत काल से था, तो अयोध्या की भूमि पर केवल राम मंदिर ही बनना चाहिए। लेकिन अभी भी पाकिस्तान से राम मंदिर को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया सुनने को मिलती है। दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए ये कहना उचित होगा कि अयोध्या देश की सबसे बड़ी धार्मिक नगरी के रूप में उभरेगी, लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन हेतु उमड़ेगी। इसके अलावा अयोध्या में कई सारे प्रोजेक्ट कार्य निरंतर चल रहे हैं, जैसे महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो सालाना लगभग 10 लाख यात्रियों को सेवा देने के लिए तैयार है। मिली जानकारी के अनुसार इस अत्याधुनिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रथम चरण की लागत 50 करोड़ आंकी गई है। अयोध्या में चल रहे निरंतर विकास कार्यों के कारण देश ही नहीं बल्कि विदेशियों की भी नजर अयोध्या पर टिकी हुई है। दोस्तों, पाकिस्तान के मुस्लिमों की नजर अयोध्या पर है, क्योंकि अयोध्या में केवल राम मंदिर ही नहीं बल्कि अयोध्या के धनीपुर इलाके में 5 मीनारों की मस्जिद का निर्माण का कार्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रारंभ होगा, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के तहत 5 मीनारों वाली एक मास्टरपीस मस्जिद का निर्माण होगा, जिसका नाम मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह होगा। ऐसे में पाकिस्तान के मुस्लिम अब अयोध्या के राम मंदिर को सही बता रहे हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करने के लिए केवल हिंदू और सनातन को ही नहीं बल्कि मुस्लिम धर्म के खास लोगों को भी निमंत्रण पत्र दिया गया है। जैसे अयोध्या बाबरी केस में मुस्लिम पक्ष की तरफ से लड़ने वाले इकबाल अंसारी भी समारोह में शामिल होंगे। निश्चित रूप से ये कहना गलत नहीं होगा कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या की काया पलट चुकी है। जैसे महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात तो हमने की है, इसके साथ ही 240 करोड़ से ज्यादा की लागत से बना अयोध्या धाम, रेलवे स्टेशन, चारों तरफ की कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए सड़क मार्ग आदि कई विकास कार्य अभी भी जारी है। इसी के साथ अयोध्या में रेजिडेंशियल और कमर्शियल डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से चल रहा है। जैसे इकोनॉमिक टाइम्स से मिली जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में 1000 एकड़ की टाउनशिप पर काम कर रही है। एक बार राम मंदिर का उद्घाटन सफलतापूर्वक हो जाए, तब अयोध्या में प्रतिदिन औसतन 1 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, और ज्यादा श्रद्धालुओं को
अयोध्या की तरफ आकर्षित करने के लिए अयोध्या का सौंदर्यकरण किया जा रहा है, जिसके लिए बड़े बड़े कमर्शियल होटल्स को बनाने का काम भी जारी है। इसी के साथ आपको बता दें कि अयोध्या में जमीन का भाव पहले की तुलना में 50% तक बढ़ चुका है। ऐसे में अयोध्या की जमीन अब कॉलोनाइजर्स और डेवलपर्स को काफी ज्यादा लुभा रही है। यूपी पर्यटन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि साल 2021 में 35,000 पर्यटक अयोध्या घूमने आए, तो वर्ष 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 2,39,00,000 हो गया है, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 35,00,000,000 तक पहुंच जाएगा, जिससे अयोध्या में 00,00,000,000 का अतिरिक्त कारोबार होगा। अयोध्या की भव्यता को देखते हुए केवल देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी पर्यटक अयोध्या की ओर पहुंचेंगे। इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटकों के आने से उत्तर प्रदेश सरकार को काफी ज्यादा आर्थिक मदद मिलेगी। भारत देश में हो रही इतनी ज्यादा तरक्की को देखकर निश्चित रूप से पाकिस्तानी जलकर खाक हो रहे हैं। डी टाइम्स ऑफ इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार पाकिस्तान में महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि वहां अंडों की कीमत बढ़कर 400 पाकिस्तानी रुपए प्रति दर्जन हो गई है और प्याज 250 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलोग्राम के बीच बेचा जा रहा है। अब ऐसी महंगाई और भुखमरी से बेहाल पाकिस्तान को भारत की तरक्की नागवार गुजर रही होगी, लेकिन पाकिस्तान में अयोध्या के बन रहे भव्य मंदिर, धार्मिक सहिष्णुता और सौहार्द की भी चर्चा खूब हो रही है। पाकिस्तानी विशेषज्ञों का कहना है कि हमारे मुल्क को और पाकिस्तान के मुसलमान को यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि हमारा हितेश अरब देश ना होकर भारत देश है और भारत के हिंदू ही हमारे असली पूर्वज हैं। ऐसे में पाकिस्तान का भारत देश से मतभेद रखना पाकिस्तान के लिए सही नहीं है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में अपना सहयोग प्रदान करने के लिए पीओके भी आगे आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान अनऑक्यूपाइड। कश्मीर में बहने वाली नदियों का जल भी भगवान श्री राम के जलाभिषेक के लिए अयोध्या भेजा जा चुका है। आपको बता दें कि अयोध्या के राम लल्ला का उत्साह देश के साथ विदेश में भी देखने को मिल रहा है। पीओके और पाकिस्तान के हिंदुओं में भी हर्ष का माहौल है। अयोध्या में हो रहे भव्य आयोजन के बीच पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी राम धुन सुनाई पड़ रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर स्पिनर दानिश कनेरिया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट साझा की है, जिसमें दानिश अपने हाथ में एक भगवा झंडा लिए खड़े दिख रहे हैं। दानिश कनेरिया लिखते हैं कि हमारे राजा श्री राम का भव्य मंदिर है तैयार, अब सिर्फ है 8 दिन का इंतजार। बोलो जय श्री राम दोस्तों। पहले जहां हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन इन कट्टर इस्लामिक मुगलों ने भारत को लूटने के उद्देश्य से आक्रमण करके अपनी नापाक कोशिश के बलबूते भारत की विश्वगुरु वाली छवि को धूमिल किया है, और आज भी ऐसे कई सारे पाकिस्तानी मुस्लिम हैं जिनकी छाती पर भारत की तरक्की देखकर सांप लौट रहे हैं। बहुत से पाकिस्तानी भव्य राम मंदिर की खबर से तिल मिला उठे हैं। खैर, मोदी है तो सब मुमकिन है, और अब मोदी योगी के राजकाल में भारत देश पुनः विश्वगुरु बनने और अग्रसर है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट लिखकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर करें।